डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक शास्त्रीय योग औषधि बतला रहा हूँ पूर्णमारिष्ट। तो पूर्णमारिष्ट का निर्माण, गुण, उपयोग और सेवन करने का विधि हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ में क्या वर्णन किए हैं। निर्माण में आप कौन कौन से औषधि लेते हैं, पूर्णमा लेते हैं, श्वेत और रक्त दोनों, बाला लेते हैं, अति बाला लेते हैं, अकानादि लेते हैं, पाठा लेते हैं, गिलोय लेते हैं, चित्रक मूल लेते हैं, कटेरी लेते हैं, वासा मूल लेते हैं, ये सभी को क्वाथ बना लीजिए पानी में डालकर। क्वाथ बनाने के बाद एक मटका में, मिट्टी के मटका में उसको डाल दीजिए क्वाथ को, और उसमें गुड़ और शहद डालकर मुंह को बंद कर दीजिए, और मुंह को बंद करने के बाद एक माह के लिए उसे छोड़ दीजिए, और एक माह के बाद निकाल कर उसमें फिर औषधि डालिए। आप नागकेसर डालिए, दालचीनी डालिए, बड़ी इलायची डालिए, काली मिर्च डालिए, सुगंध बाला डालिए, तेजपात डाल दीजिए, ये सब चूर्ण करके डालकर फिर मुंह को ढक्कन को बंद करके कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको निकाल कर छान कर शीशी के बोतल में उसको रख लीजिए। आपको पूर्णमारिष्ट यानी यह औषधि जो है तैयार हो गया। इस औषधि का विशेष करके हम सूजन में इसका सेवन करते हैं, विशेष करके इसको उपयोग में लाया जाता है सूजन में। अगर वृक में या मूत्रपिंड में किसी तरह का विकृतियां हैं उसमें इस औषधि के सेवन करने से ठीक हो जाता है। किडनी में अगर किसी तरह का विकृतियां के कारण पूरे शरीर में सूजन हो गया है उसमें इस औषधि के सेवन करने से आपको सूजन जो है समाप्त हो जाता है, और किडनी में विकार जो है वो भी समाप्त हो जाता है, और शरीर में रक्त का वृद्धि करता है। यानी इस औषधि के सेवन करने से रक्त का वृद्धि करता है, सूजन में आपको शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाता है और शरीर सूज जाता है। जब उसको दाबते हैं तो गड्ढा हो जाता है वहाँ पर, और इसमें सूजन में आपको पेशाब जो है कम मात्रा में होता है, दस्त भी साफ नहीं होता है, और इस औषधि के सेवन करने से मूत्र जो है शरीर से, यानी पानी जो है शरीर में जलयांश अंश जो है पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। जितने भी विकार हैं आपको किडनी में वो जो है मल मूत्र के द्वारा वह जो है बाहर निकल जाता है, और यह औषधि सूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और बहुत हृदय की कमजोरी में भी इस औषधि के सेवन करने से आपको शरीर के हृदय की कमजोरी दूर हो जाता है, हृदय को ताकत देता है, और हृदय को अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। यानी हृदय जो है सही तरीके से अपना कार्य करने लगता है इस औषधि के सेवन करने से। किडनी में विकार है वो भी इस औषधि के सेवन करने से ठीक हो जाता है, और पुराना से पुराना पांडु रोग में यानी एनेमिया रोग में इसको प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ करता है। यानी बहुत अच्छा औषधि है एनेमिया के लिए, पांडु रोग के लिए। आपको यकृत या प्लीहा के वृद्धि अगर हो गया है उसमें भी इस औषधि के सेवन करने से यकृत प्लीहा सामान्य हो जाता है, उसका वृद्धि जो है समाप्त हो जाता है। यह औषधि बहुत अच्छा है। इस औषधि का सेवन हम पांडु रोग में करते हैं, हृदय रोग में करते हैं, आपको शरीर के सूजन रोग में इस औषधि के सेवन करने से शरीर का सूजन जो है समाप्त हो जाता है। भ्रम रोग में इस औषधि का सेवन करते हैं, पलिहाकृत में इस औषधि का सेवन करते हैं, आपको अरुचि में यानी भूख नहीं लग रहा है, माने पाचन जो है कमजोर हो गया है उसमें जो है इस औषधि के सेवन करने से पाचन क्रिया को सुधारता है और भूख को बढ़ाता है।
गुल्म रोग में इस औषधि के सेवन करते हैं। गुल्म में भाई गोला की तरह पेट में घूरते रहता है, उसमें यह औषधि बहुत अच्छा काम करता है। और गुल्म रोग जो है यह जो है औरतों में पाया जाता है। आपको भकंदर रोग में इस औषधि के सेवन करने से भकंदर रोग जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। बवासीर में इस औषधि के सेवन करने से बवासीर जो है नष्ट हो जाता है। उदर रोग में भी इस औषधि के सेवन करने से उदर जो है आपको ठीक हो जाता है। उदर में जितने रोग होते हैं या बीमारियां होती हैं वो जो है समाप्त हो जाता है। आपको श्वास रोग में भी इस औषधि के सेवन करते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलता है। संग्रहणी में पेचिस में आम में इस औषधि के सेवन करने से संग्रहणी जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। खुजली में भी इस औषधि के सेवन करने से शरीर में कहीं भी किसी स्थान पर अगर खुजली हो गया है उसमें आपको समाप्त कर देता है। कुष्ठ रोग में भी इस औषधि के सेवन कराते हैं। सफ़ेद दाग में इस औषधि के सेवन करने से सफ़ेद दाग जो है समाप्त हो जाता है। हलीमक में भी इस औषधि के सेवन करने से हलीमक रोग जो है समाप्त हो जाता है। टिक्का रोग में यानी हिचकी में इस औषधि के सेवन करने से हिचकी रोग जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और ये जितनी बीमारियां आपको मैं बोला ये जो है पूर्णवारिष्ट के सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं। और इसकी मात्रा जो है 30 ml दवा लेते हैं, 30 ml पानी मिलाकर भोजन के बाद 2 बार इसको सेवन करते हैं। और वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।